बीजेपी गवर्नर पर बिफरे सीजेआई चंद्रचूड़। पूछा, 3 साल तक क्या कर रहे थे? भरी कोर्ट में बीजेपी गवर्नर हुआ शर्मिंदा। सुप्रीम कोर्ट में 20 नवंबर को राज्यपाल के विधेयक अटकाने के मामले में सुनवाई हुई। बिल पर साइन ना करने की शिकायत को लेकर तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर कर रखी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि पर बुरी तरह भड़के, जमकर खरीखोटी सुनाई, कहीं तो बीजेपी के गवर्नर की पूरी पोली खोल दी। ये बिल 3 साल से पेंडिंग थे, गवर्नर 3 साल तक क्या कर रहे थे? बिलों पर एक्शन ना लेना गंभीर चिंता का विषय है। ये पूरा विवाद आखिर है क्या? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ तमिलनाडु गवर्नर पर क्यों भड़के? सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीजेआई बोले, तमिलनाडु गवर्नर ने 3 साल तक बिल पेंडिंग क्यों रखे? सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से पूछा कि तमिलनाडु गवर्नर का कहना है कि उन्होंने 13 नवंबर को इन बिलों को पास कर दिया, लेकिन हमारी चिंता ये है कि हमने 10 नवंबर को आदेश दिया था कि गवर्नर इन बिलों पर एक्शन ले, जबकि ये बिल जनवरी 2020 से पेंडिंग थे। तब से अब तक गवर्नर क्या कर रहे थे? क्यों गवर्नर ने राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट आने का इंतजार किया? 10 नवंबर को केंद्र सरकार को भेजा था नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को तमिलनाडु के राज्यपाल के विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को गंभीर चिंता का विषय बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजभवन पर 12 से अधिक कानूनों को दबाने का आरोप लगाने वाली राज्य सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए इस मुद्दे को सुलझाने में अटॉर्नी जनरल या सोलिसिटर जनरल से मदद मांगी थी। पंजाब के गवर्नर की भी लगाई है क्लास। इससे पहले 6 नवंबर को पंजाब के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से बिल पर साइन ना करने को लेकर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से पास बिलों को लटकाने के मामले में पंजाब के गवर्नर को फटकार लगाई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है, आप आग से खेल रहे हैं। पंजाब सरकार ने 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पे अर्जी लगाई थी, जिसमें गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर विधानसभा से पास हो चुके 7 बिलों को रोके रखने का आरोप लगाया था। वहीं तमिलनाडु में कानून, कृषि और उच्च शिक्षा समेत कई विभागों को कवर करने वाले विधेयक 13 नवंबर को रवि द्वारा लौटाए जाने के मद्देनजर पारित किए गए थे। दोबारा अपनाए गए विधेयकों के बाद में राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया। इस बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के लौटाए गए बिलों के कुछ दिनों बाद तमिलनाडु विधानसभा ने शनिवार 18 नवंबर को 10 विधेयकों को फिर से पास कर दिया है।